रायगढ़ जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए इस बार शिक्षक भी जंगलों में जाकर काम करेंगे। रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ वन मंडल में तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए प्रशासन ने करीब 600 शिक्षकों की ड्यूटी विभिन्न वन समितियों में लगा दी है और 1 मई से 15 जून तक शिक्षकों को थर्ड प्रभारी का जिम्मा देकर तेंदुपत्ता संग्रहण करवाने के लिए आदेश जारी करना शुरू कर दिया है, जिसका शिक्षक विरोध कर रहे हैं। शिक्षा कर्मी से सरकारी शिक्षक बनाए गए गुरुजी इस बार गर्मी की छुट्टियां जंगलों में बिताएंगे। दरअसल तेंदुपत्ता के सीजन में अब तेंदुपत्ता संग्रहण, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के रूप में इन शिक्षकों से काम लिया जाएगा। वन विभाग के कर्मचारियों की कमी एवं शासन के तेंदुपत्ता संग्रहण लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन ने ऐसा किया है और कलेक्टर यशवंत कुमार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार प्रधान पाठकों से लेकर शिक्षक एवं सहायक शिक्षकों को 1 मई से 15 जून तक संबंधित वन परिक्षेत्र में अपनी उपस्थिति देनी होगी। जिले में रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ वन मंडल की विभिन्न वन समितियों के लिए सभी ब्लॉक से शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें शिक्षकों को तेंदुपत्ता संग्राहकों से उचित सामंजस्य बनाकर फर में निर्धारित मानकों के तहत तेंदुपत्ता का संग्रहण व भंडारण कराना है। इसके लिए बकायदा शिक्षकों को फर में संग्रहण के अनुसार लक्ष्य भी दिया गया है। कलेक्टर के इस आदेश के बाद गर्मियों की छुट्टी की प्लानिंग करने वाले शिक्षकों में मायूसी छा गई है। प्रशासन के अनुसार वन विभाग के पास पर्याप्त मैन पावर नहीं होने के कारण शासन के निर्देश पर ही शासकीय सेवकों के रूप में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन शिक्षक अपने 45 दिन के ग्रीष्म अवकाश के खत्म हो जाने पर दबी जुबान से इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं जिले में रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ वन मंडल में हरा सोना कहे जाने वाले तेंदुपत्ता संग्रहण का काम बड़े जोर शोर से किया जाता है। वन विभाग द्वारा रायगढ़ वन मंडल में औसतन 50 से 52 हजार मानक बोरा तथा धरमजयगढ़ में 60 से 65 हजार मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हर साल किया जाता है, लेकिन इस बार फर प्रभारी बनकर सरकारी शिक्षकों को ही इसका जिम्मा दे दिया गया है, जिससे शासन के निर्देश पर व्यवस्था के तहत शिक्षकों को काम में लगाया गया है। 1 मई से 15 जून तक शिक्षक संबंधित वन समितियों के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण एवं पर्यवेक्षण का काम कराएंगे। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि शिक्षकों से कोर्ट का आदेश है, राज्य शासन का भी आदेश है कि गैर शिक्षकीय कार्य नहीं लेना है। आपदा प्रबंधन को छोड़ के जनगणना और निर्वाचन, इनमें शिक्षकों की ड्यूटी लगनी है और शिक्षक उसमें तत्पर रहता है और अपना काम बड़े उससे करता है। लेकिन ये तेंदुपत्ता हुआ और इस प्रकार के जो है, इसमें पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि तेंदुपत्ता में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। लगभग तमनार से 16 हैं, धरमजयगढ़ से 132 और रायगढ़ से लगभग 5, इस प्रकार से 152-153 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि सर्वथा गलत है। ऐसी ड्यूटी लगना नहीं चाहिए। और आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी हम लोग को 10 मई तक का समय दिया गया है कि रिजल्ट पूरा करें। अभी तक रिजल्ट ही नहीं बने हैं पहली से आठवीं तक के, और उसमें अभी नया फार्मूला है SLA के अंतर्गत। रिजल्ट बनाने में कितनी दिक्कत जा रही है वो शिक्षक ही जानता है। और क्या ये 153 जो शिक्षकों को लगाया गया है, क्या इनको रिजल्ट नहीं बनाना है? इनको भी रिजल्ट बनाना है। वो अपने अपने कार्य को संपादित करेंगे कि तेंदुपत्ता में अभिरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। ये बताएंगे कि ये जो शिक्षा कार्य के अलावा दूसरा काम दिया गया है, तो इसके लिए आपका क्या? इसके लिए हम लोग इसका विरोध करेंगे, कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे और उनका ध्यान आकर्षण करेंगे कि भैया हमको अपनी रिजल्ट बनाना है और रिजल्ट देना है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तरफ बोलते हैं कि समर क्लास लगना है 7 से 10 और दूसरी तरफ बोलते हैं भीषण गर्मी के कारण अवकाश दिया जाए, है? ये विरोधाभास समझ में नहीं आता है। कहीं कहीं ना कहीं ये शिक्षकों के मानसिक रूप से प्रभावित करेगा। स्वाभाविक है, वो तो होना ही है। शिक्षक तो हमेशा मानसिक रूप से प्रताड़ित होता रहा है और होता रहेगा, ऐसा लग रहा है इस प्रकार के आदेश मिलते रहेंगे तो। एक अंतिम सवाल बताएंगे कि 1 मई से ड्यूटी शुरू की गई है, तो अभी एक ही दिन बचा है, आपका इसमें क्या करना है? भाई हम लोग को तो ऐसा है कि उड़ती खबर मिल रही है कि आप लोग यदि गर्मी की छुट्टी में कार्य करोगे तो उसका EL मिलता है, वो EL मिलेगा, लेकिन अभी तक इसका कोई ऑथेंटिक जानकारी या आदेश नहीं आया। ग्रीष्मावकाश में शासन के निर्देश हैं कि बच्चों के लिए रेमेडियल क्लास लगाई जाएगी, जो SLA की परीक्षा हुई है उसके अंतर्गत। इसके अलावा समर कैंप लगाए जाने का निर्देश है और वर्तमान में आदर्श आचरण संहिता भी लागू है निर्वाचन की, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए शिक्षकों से को निर्देशित किया गया है कि ग्रीष्मावकाश में अपने मुख्यालय में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, ताकि आवश्यकता हो तो उनकी सभाएं नहीं जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 20